हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऐसे फर्स्ट के एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है बच्चों आप इस एग्ज़ाम से अपने एग्जाम को मैस करेंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है तो सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे तो शुरू करते हैं करेक्ट आंसर इन द एम सी क्यूज बच्चों यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनमें सही आंसर को चूज करेंगे क्वेश्चन है वॉट इज द यूनिट टू मेजर एनी लिक्विड किसी भी तरल पदार्थ को मापने की क्या यूनिट होती है क्या इकाई होती है ऑप्शन है किलोमीटर किलोग्राम सेंटीमीटर लीटर तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीटर नेक्स्ट है एन एंगल लेस देन नाइन्टी डिग्री इज नॉन एज नब्बे डिग्री से कम के एंगल को क्या कहा जाता है ऑप्शन है एक्यूट एंगल ऑप्ट्यूज एंगल राइट एंगल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्यूट एंगल नेक्स्ट इज हाउ मच पार्ट ऑफ ए रुपी इज फिफ्टी पैसे एक रुपए का कितना भाग जो है वो फिफ्टी पैसे है तो बच्चों ऑप्शन है वन ओ पॉइंट फोर वन ओ थ्री वन ओ टू और वन ओ फाइव तो बच्चे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन ओ टू नेक्स्ट इज वन पॉइंट फोर ऑफ ए किलोमीटर इज एक किलोमीटर का एक बटा चार जो है वो कितना होगा तो बच्चों किलोमीटर में कितने मीटर फोर टू जाट अब बच्चों टू बचे तो यहाँ तो कितने हो गए ट्वेंटी फोर फाइव जा ट्वेंटी अब बच्चों इतना जीरो बची जीरो लिख लेंगे कितना टू हंड्रेड फिफ्टी इट मीन वन किलोमीटर का वन फोर्थ होगा टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर तो इसके बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है इफ वी ज्वाइन टू स्क्वायर्स यदि हम दो स्क्वायर्स को जोड़ते हैं द न्यू सेप फॉन्ड विल बी आ तो इसकी नई आकृति जो होगी वो क्या बनेगी ऑप्शन है स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल और नन ऑफ दीज तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगल नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए बच्चों यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं सेवन हंड्रेड मीटर इज ग्रेटर देन वन किलोमीटर सेवन हंड्रेड मीटर जो है वो वन किलोमीटर से ज्यादा है तो बच्चे रॉन्ग है कैसे बच्चों वन किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वन थाउजेंड मीटर और ये है सेवन हंड्रेड मीटर तो बच्चों ये गलत है यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है द शेप ऑफ ए कैरम बोर्ड इज लाइक अ स्क्वायर एक कैरम बोर्ड की जो शेप होती है आकृति आकार वो स्क्वायर जैसा होता है तो बच्चों येस इट इज ट्रू नेक्स्ट इज विंड मिल लुक सेम आफ्टर वन अपॉन फोर टर्न पर जो विंड मिल है पवन चक्की वो सेम ही दिखाई देती है तो बच्चों yes, तो बच्चों yes, को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर थ्री से ट्वेंटी फोर को हम डिवाइड करेंगे थ्री एटी फोर अब बच्चों से हम eight में मल्टीप्लाई कर देंगे two eights are 16, one day के टू पॉइंट थ्री पार्ट में सिक्सटीन आवर्स होते हैं तो बच्चों सही है नेक्स्ट इज वन पॉइंट थ्री ऑफ ए राइट एंगल इज़ थर्टी डिग्री एक राइट right एंगल का जो वन पॉइंट थ्री पार्ट है वो थर्टी डिग्री होता है तो बच्चों येस हाउ बच्चों नाइन्टी डिग्री का क्या होता है राइट right एंगल अब बच्चों हम उसे वन ओ थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे अब बच्चों नाइन्टी को इसे हम थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री थ्री इज आर नाइन उसके बाद बच्चों जीरो यहाँ लिख लेंगे कितना हुआ थर्टी तो बच्चों सही है थर्टी डिग्री होता है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्रॉ लाइन ऑफ सीमेट्री इन द फोइंग फिगर्स बच्चे यहाँ पर फिगर्स दी गई हैं इनमें आपको लाइन ऑफ सीमेट्री खींचनी है तो बच्चे एयरो सेफ है तो बच्चों हम इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे इस लाइन से अब हम इसे मिरर के आगे रख कर देखेंगे तो क्या होगा ये पूरी आकृति बनेगी ऐसे ही बच्चों इसे हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे यदि हम इसे मिरर के आगे रखते हैं मिरर के सामने तो बच्चों पूरी आकृति बनती है नेक्स्ट है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन पोस्टर स्टैम्प इफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर ग्रिड इज वन सेंटीमीटर बच्चों इस पोस्टल स्टैम्प के आपको पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है यदि इसके प्रत्येक स्क्वेयर की साइड वन सेंटीमीटर है तो बच्चों इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे एरिया के लिए बच्चों क्या करेंगे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है फोर सेंटीमीटर ब्रेथ कितनी है थ्री सेंटीमीटर बच्चों हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसके स्क्वायर काउंट कर लेंगे कितने हैं वन टू थ्री फोर और बच्चों इधर कितने हैं वन टू थ्री अब बच्चों हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे फोर थ्री जार ट्वेल्व इट मीन्स इसका जो एरिया है वो है ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट है पैरीमीटर पैरीमीटर के लिए बच्चों हम इसकी चारों साइड जो है प्लस कर लेते हैं तो बच्चे इसकी लेंथ है फोर तो इधर भी कितनी है फोर यहाँ पर ब्रेथ कितनी है थ्री तो यहाँ भी थ्री है तो बच्चों इन्हें प्लस कर लेंगे फोर और फोर एट थ्री एलेवन और थ्री फोर्टीन तो बच्चों इसके पैरीमीटर है फोर्टीन सेंटीमीटर नाउ राइट फोर इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फाइव अपॉन्ट सिक्स बच्चों फाइव अपॉइन्ट सिक्स की फोर इक्वेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो बच्चों फर्स्ट है टेन अपॉन ट्वेल्व कैसे टू फाइव हजार टेन टू सिक्स हजार ट्वेल्व नेक्स्ट इज फिफ्टीन अपॉन एटीन थ्री फाइव हजार फिफ्टीन थ्री सिक्स हजार एटीन नेक्स्ट इज ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फोर फोर फाइव हजार ट्वेंटी फोर सिक्स हजार ट्वेंटी फोर नेक्स्ट इज ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी जो है उसके रुपए हैं प्रति किलो. टोटल आपके पास केवल टू हंड्रेड रुपीज है हाउ मच फिश कैन यू बाय विद आप इन अमाउंट से कितनी फिश खरीद सकते हैं तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे टू हंड्रेड को फिफ्टी से डिवाइड कर देंगे फिफ्टीज फोर जाए टू हंड्रेड टू हंड्रेड में से टू हंड्रेड माइनस के कितने बचे जीरो तो बच्चों आंसर कितना आया फोर इट मीन्स टू हंड्रेड रुपीज में फोर किलोग्राम सार्डिन फिश खरीद सकते हैं नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट द फिगर सो दैट इट्स एरिया इज ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर अब बच्चों इस फिगर को इस तरीके से कंप्लीट करना है ताकि इसका जो एरिया हो वो ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बच्चों ये इतनी फिगर दी गई है अब आपको इसे इस तरीके से कंप्लीट करना है कि इसका एरिया ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बच्चे इसके लिए हम इसके स्क्वायर्स काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाफ और हाफ वन इलेवन हाफ ये और हाफ ये वन कितना हुआ ट्वेल्व तो इसका एरिया कितना है ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग हैंड्स ऑफ द क्लॉक एंड ऑल्सो टेल द टाइम बच्चों यहाँ पर क्लॉक के हैंड्स का यूज करके आपको एक्यूट एंगल बनाना है तो एक्यूट एंगल कितना होता है 90 डिग्री से जो कम होता है जीरो डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं तो बच्चों इस क्लॉक में इस तरीके से टाइम शो करना है जिससे एक्यूट एंगल बने तो बच्चों एक्यूट एंगल कब बनेगा जब बच्चों यहाँ पर क्या होगा जीरो डिग्री और यहाँ पर क्या होगा नाइन्टी डिग्री अब जो बच्चों आपको टाइम शो करना है इसके बीच में करना है तो बच्चों इसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा एक्यूट एंगल जैसे कि इस क्लॉक में है तीन बजकर दस मिनट हो रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर टाइम लिखेंगे आप इसमें बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सा भी टाइम शो कर सकते हैं हैंड्स का यूज करके और क्वेश्चन इज ड्रॉ हाउ द ट्राएंगल वुड लुक आफ्टर वन फोर्थ टर्न अब बच्चों आपको ये बताना है कि वन फोर्थ टर्न पर ट्राएंगल कैसे दिखेगा एंड हाफ ए टर्न इन द स्पेस प्रोवाइडेड और आधा घुमाने पर तो बच्चों ये है सेफ ट्राइंगल की अब इसे हम वन फोर्थ टर्न पे घुमाएंगे तो बच्चों सबसे पहले देखिए वन फोर्थ कहाँ होता है जीरो डिग्री से जब हम नाइन्टी डिग्री घुमाते हैं तो वन फोर्थ होता है नाइन्टी डिग्री से हम वन एटी डिग्री घुमाते हैं तो कितना होता है वन अपॉइंट टू इट मीन्स हाफ होता है वन एट्टी डिग्री से हम थ्री फोर्थ इट मीन्स टू हंड्रेड सेवेंटी डिग्री घुमाते हैं तो कितना होता है थ्री अपॉइंट फोर और टू हंड्रेड सेवेंटी डिग्री से हम जीरो डिग्री घुमाते हैं तो पूरा कंप्लीट होता है तो बच्चों अब हम इसे कितना घुमाएंगे जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री तो जब हम इसे नाइन्टी डिग्री घुमाएंगे तो जो शेप है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा इसका एक कॉर्नर से घुमाएंगे तो बच्चे जो आकृति है इस तरीके से दिखाई देगी हाफ टर्न पर बच्चों पहला हमने यां से यां तक घुमाया उसके बाद ये इस तरीके से घुमाया तो आकृति जो जो है जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी half turn पर के पास पच्चीस टमाटर हैं और अट्ठारह आलू हैं ही गिवस वन ओपॉइट फाइव ऑफ द टोमेटोज एंड वन ओपॉइट थ्री ऑफ द पोटेटोज सोहन वह सोहन को वन ओपॉइन्ट फाइव और वन अपॉन थ्री पटेटोज दे देता है हाउ मैनी टमेटोज एंड पटेटोज दस सोहन गेट सोहन को कितने टमाटर और आलू मिलते हैं तो बच्चे हम क्या करेंगे वन अपॉइंट फाइव को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद बच्चे फाइव से हम ट्वेंटी फाइव को डिवाइड करेंगे फाइव फाइव जाए ट्वेंटी फाइव तो बच्चे कितना आंसर आया फाइव नेक्स्ट है वन ओपॉइंट थ्री मल्टीप्लाई एटीन हम वन ओपॉइट थ्री से 18 को 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 मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे। अब बच्चों 3 से डिवाइड तो आंसर कितना है 6. It means Sohan gets 5 टमाटर और 6 आलू मिले नेक्स्ट इज टू अपॉन फाइव ऑफ द टमेटोज एंड थ्री अपॉन सिक्स ऑफ द टू मोहन अब उसने दो बटे पांच टमाटर और तीन बटे छः आलू मोहन को दिए हाउ मेनी टमेटोज एंड पोटेटो डज मोहन गेट अब मोहन को कितने मिलते हैं तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे हम टू अपॉइंट फाइव से ट्वेंटी फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे अब बच्चों फाइव से ट्वेंटी फाइव को डिवाइड करेंगे फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव अब बच्चों इस टू से इस फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइव हजार टेन आंसर कितना हुआ टेन अब बच्चों ये है थ्री अपॉइन्ट सिक्स पटेटोज तो थ्री अपॉइंट सिक्स से एटीन को मल्टीप्लाई करेंगे अब सिक्स से एटीन को डिवाइड करेंगे सिक्स थ्री जार एटीन अब इस थ्री से इस थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री हजार नाइन तो बच्चों उसे कितने टमाटर और आलू मिले तो बच्चों मोहन गेट्स टेन टमेटोज एंड नाइन पटेटोज उसे दस टमाटर और नौ आलू मिले स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू